स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक विच इज नोन एज वैल्यूएशन ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब हमको क्या करना है, एक बिल्डिंग का वैल्यूएशन निकालना है। हमने लास्ट टाइम समझा था कि सिंकिंग फंड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, सिंकिंग फंड कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ये सब टर्म्स हमने यूज करी थी। अब इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए हमको निकालना है वैल्यूएशन। मतलब मुझे बिल्डिंग का वैल्यूएशन क्यों निकालना है, ताकि मुझे बिल्डिंग की वैल्यू पता चल सके। अगर मुझे बिल्डिंग को खरीदना है, अगर बिल्डिंग को मुझे बेचना है, तो इन सब चीजों के लिए मुझे वैल्यूएशन पता होना चाहिए। तो वैल्यूएशन हमको कैसे पता चलेगा, वैल्यूएशन हमको पता चलेगा वो किस मार्केट में है, मतलब किस लोकेलिटी में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई फेमस सिटी की बात करूं, उस फेमस सिटी में, एकदम मेन सिटी में हमारा कोई प्लॉट है, हमारा कोई लैंड है, तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेरिजन विद हमारा कोई अंदर गली के अंदर प्लॉट है। तो वैल्यूएशन हमारा डिपेंड करेगा अपॉन द लोकेलिटी, दिस इज नोन एज लोकेलिटी। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी बिल्डिंग को कैसी सर्विसेज मिल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे पानी की पाइपलाइन है, आपको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिल रही है, तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर हम इसे रूरल एरियाज की बात करें, तो वहां पे हमारे पास वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। सो दिस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वैल्यूएशन ऑफ अ बिल्डिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करा गया है, ये भी चीज हमारे ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब जितना अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। मींस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वैल्यूएशन ऑफ अ बिल्डिंग। बट होता क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन आता जा रहा है। ओके, तो आप हमको पता लगाने की हमारी बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी है, तो हमको क्या करना होगा, उसकी मेथड की मदद से हमको उसकी कॉस्ट निकालनी रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास इसमें तीन मेथड्स होती है, जिसमें से सबसे पहली मेथड है कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड। मतलब अगर जब हमने बिल्डिंग बनाई है, तो हमारे पास उसके सारे बिल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी मटेरियल्स को आज की रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज की रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारे बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आ गई। ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। और हमारे पास जितने भी रेट थे, हम अभी तक GPWD डिपार्टमेंट से लेते या फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से लेते, तो ये सारी कॉस्ट हम उससे पता लगाएंगे। ये मेथड कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास मटेरियल गिवन है। फॉर एन एग्जाम्पल, सीमेंट मुझे 100 बोरी लगी, तो 100 बोरी और आज का जो भी रेट है, तो हम उससे आज की कॉस्ट निकाल सकते हैं। ओके, ये सबके लिए वैलिड है जब हमारे पास पुराना डाटा नोन है। बट अगर हमारे पास पुराना डाटा नोन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिटेल्ड मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, याद है हमने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, वहां से हम उनकी डिटेल मेजरिंग करेंगे। जैसे अर्थवर्क कितना लगा हमको, लाइम कॉन्क्रीटिंग कितना लगा हमको, फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क कितना लगा, और ये सारी क्वांटिटीज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको आज का जो भी रेट है वो PWD के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है। अगेन हमको क्या करना है, उसका डिटेल्ड मेजरमेंट ड्रॉ करना है। मतलब हमको उसका एक्सकेवेशन निकालना है, हमको उसकी कॉन्क्रीटिंग निकालना है, हमको फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क निकालना है, हमको प्लास्टर निकालना है, हमको पॉइंटिंग निकालना है। ये सारी चीजें निकालने के बाद हम उसके अंदर रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमको ये चीजें मिल जाए। ये मेथड कब वैलिड है, जब हमारे पास पुराना डाटा नोन नहीं है। अब इसमें एक लास्ट मेथड आती है, विच इज नोन एज कॉस्ट बाय प्लिंथ एरिया मेथड। हम क्या करेंगे, सिंपली प्लिंथ एरिया निकाल देंगे। मतलब जितना कंस्ट्रक्शन है और आज जितनी भी कॉस्ट चल रही कंस्ट्रक्शन की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट है, और 2000 स्क्वायर फीट में से आपने 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करा है, तो 1000 स्क्वायर फीट और इंटू 1000 रुपए आज की कॉस्ट चल रही है, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1000 × 1000। तो इस तरीके से हम हमारे बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। सो दिस आर द 3 मेथड विच वी डिस्कस्ड। ओके, अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अब इसके अलावा हमारे पास अलग से मेथड आती है, जो कि हम वैल्यूएशन निकालते हैं। ये मेथड कौन सी है, एक है रेंटल मेथड, एक है प्रॉफिट बेस्ड मेथड, एक है डेप्रिसिएशन मेथड। रेंटल मेथड वो मेथड रहती है जिससे आप क्या करते हो, आपको कितना सोर्स ऑफ इनकम आता है उसकी मदद से निकालते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग के अंदर आपने बहुत सारे ऑफिस बनाए, और उन सभी ऑफिस को आपने रेंट पर दे दिया, और उन सभी ऑफिस को रेंट पर देने के बाद आपको कितना पैसा आ रहा है वहां से, मीन्स आपको कितनी इनकम आ रही है, ये आप वहां से कैलकुलेट करोगे। इस इनकम में से जितने भी टैक्सेस होंगे, वो सब आपको माइनस करना होगा, और आपको नेट इनकम के हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो नेट वैल्यू जो भी आएगी, उसका सूटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लगेगा, और ईयर परचेस, मतलब कितने ईयर्स के लिए, ये सब हमको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी। इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट मेथड आती है डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल कॉस्ट। इस मेथड में क्या होता है, हमारे पास जो भी है वो हम उसको कैपिटल कॉस्ट से डायरेक्ट कंपेयर करते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया था आज इतना पैसा मुझे मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका प्लॉट और मेरा प्लॉट आमने सामने ही है, तो आपके प्लॉट की अगर कीमत 50 लाख है तो मेरे प्लॉट की कीमत भी 50 लाख ही होगी। अगर हमारा अप्रोक्सीमेटली सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम जमीन है, सेम प्लॉट एरिया है, उस तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं इफ वी आर हैविंग द सेम डेटा। ओके, लास्ट मेथड आती है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, मतलब आपको उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई एक मॉल बनाया, उस मॉल बनाने के बाद आपको मॉल्स के अंदर जितनी भी शॉप्स है वहां से कुछ एक इनकम मिल रही है, तो वो इनकम होगी आपकी नेट इनकम। क्यों? क्योंकि उसमें से आपको वहां के बिजली का खर्चा भी देना है, ये सारे आपको एक्सपेंसेस हटाने होंगे। तो ये जो भी इनकम आई आप उसको ईयर ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाए। दिस मेथड इज सिमिलर एज विद द रेंट मेथड। वहां पे क्या हो रहा था, रेंट आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है आपको, आपको एक इनकम आ रही है। कैसे, जैसे आपने सिनेमा घर बनाया तो वहां से टिकट सेल होंगे तो वहां से आपको इनकम आएगी। तो ये इनकम भी हम ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितने साल के लिए है, और एक परसेंट फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास 6% ऑफ एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट कौन सा होगा ये अपन न्यूमेरिकल से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। हमने कहा था लास्ट मेथड है, बट डेप्रिसिएशन मेथड भी एक मेथड रहती है जिससे क्या होगा, हमारे हर साल वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती जाएगी। अगर आपने शुरू में 50 लाख रुपए लगाए तो हर साल उसकी वैल्यू 50 लाख नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एक परसेंटेज में या कुछ ना कुछ एक वैल्यू में कम होती जाएगी, जो कि हमने डेप्रिसिएशन के मेथड में पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू पी 100 - RD/100 × N। पी क्या है यहाँ पे, आज कितनी कॉस्ट प्रेजेंट है, 100 - R, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने पढ़ी थी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज कम हो रहा है, 3%, 4%, 5%। माइनस एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, वैल्यूएशन। बट एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि हमारे प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ये सब भी ऐड होगी, मतलब उसके वहां पे लैंड कैसी है, वाटर सप्लाई कैसा है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी है, सैनिटरी फिटिंग्स कैसी है, तो ये वाले पॉइंट्स भी हमको याद रखने होंगे, दिस वन। ओके, नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। हम कॉस्ट के कंपैरिजन में कर सकते हैं कि आज हमारे बिल्डिंग की जो कीमत चल रही है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, वो अगर 1 लाख रुपए की कॉस्ट मिल रही है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर 1000 स्क्वायर फीट है और 100 रुपए का रेट है, तो हम वहां से वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अगर हमारी कोई बिल्डिंग अंडर प्रोग्रेस में है, हमारी कोई बिल्डिंग डेवलपमेंट स्टेज में, तो हम वहां से उसकी निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कोई कॉलोनी में प्लॉट लिया और उस प्लॉट हमारा मेन रोड पर है एज कम्पेरिजन विद द अंदर, तो वहां पे हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा। अगर जितनी ज्यादा टाउनशिप डेवलप होगी हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो दिस मेथड इज नोन एज डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। मतलब अगर आपके टाउनशिप में गार्डन, अगर आपके गार्डन में बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, झूले होंगे, बच्चों के लिए प्ले स्कूल्स वगैरह होगा, तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट रेंट फिक्सेशन। रेंट फिक्सेशन क्या होता है, रेंट फिक्सेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर टाइम के लिए किसी को काम करने के लिए दिया, दैट इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ रेंट। ये फिक्सेशन ऑफ रेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती है, फॉर एन एग्जाम्पल रेजिंग क्या है, लेवलिंग क्या है, ड्रेसिंग, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, गेट्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें आप उसको इंक्लूड करके आप उसको रेंट पे दोगे। मतलब आपने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग को बनाने में जितना भी चार्ज लगा और आपको रेंट कितना आ रहा है, दैट इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ रेंट। ओके, तो ग्रॉस रेंट क्या होगा, नेट रेंट प्लस आउट ऑल आउट गोइंग, मतलब ऑल आउट गोइंग मतलब जितने भी खर्चे हैं और जितना रेंट आ रहा है, ये मिला के क्या होगा, ग्रॉस रेंट। मतलब नेट रेंट क्या हो जाएगा, ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको लीज पे दी जाती है कभी कभी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई सोसाइटी है तो वो आपको क्या करेगी, प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए लीज पे देगी। लीज मतलब उसका ओनर कोई और रहेगा और आपको वो सप्लाई कर देगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ताकि आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सको। तो इस चीज को हम कहते हैं लीज। The owner will give the permission to any other person to use his property, which is known as giving property on lease. So, अब इसमें हमारे पास दो terms आती है, एक आती है building lease, एक होता है occupation lease. Building lease में क्या होगा, एक कोई भी एक builder है वो क्या करेगा, अपनी property पूरी बनाकर
किसी सप्लायर को दे देगा, जिससे क्या होगा उसको रेंट मिलता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, अपनी एक प्रॉपर्टी बनाई, उस प्रॉपर्टी को मैंने आपको 10 साल के लिए लीज पे दे दिया और मैंने 10 एक साल का बताया कि मुझे एक साल का 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा आपसे 10 साल के लिए 50 लाख रुपए ले लूंगा और उस 10 साल के लिए आप प्रॉपर्टी में फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो उस प्रॉपर्टी में, आप चाहो तो उसको खाली रख सकते हो, आप चाहो तो उससे ज्यादा इनकम कमा सकते हो। मीन्स आई हैव गिवन माई प्रॉपर्टी टू यू फॉर द 10 ईयर्स एट अ सुटेबल रेट, दिस इज नोन एज लीज ऑफ प्रॉपर्टी। तो लीज ऑफ प्रॉपर्टी में क्या रहता है, हम किसी भी लंबे समय के लिए इसको ग्रांट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 99 ईयर्स भी होता है इसमें, 30 ईयर्स भी होता है इसमें, 1000 ईयर्स भी होता है, और इस तरीके से हम लीज का पीरियड डिजाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन लीज। ऑक्यूपेशन लीज जो हमने अभी डिस्कस करा, मतलब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसको कमर्शियल बनाकर किसी को सप्लाई कर देंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर वो टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम उससे हमारी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे पूरा ब्याज के साथ, पूरा पैसे के साथ। तो इस टाइप को कहते हैं बिल्डिंग लीज, अगर आप किसी को बिल्डिंग बनाकर दे रहे हैं, और एक होता है ऑक्यूपेशन लीज अगर आप उसे कमर्शियल वगैरह बना रहे। तो नेक्स्ट आता है मोर्टेज लीज। मोर्टेज लीज क्या होता है, एक ओनर कोई रहता है वो प्रॉपर्टी अगेंस्ट आपसे बाय करता है। कैसे बाय करता है, ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर सके, उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर सके और वो लोन खत्म हो जाने के बाद वो आपको प्रॉपर्टी वापस दे सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की टर्म्स आ रही है, एक आ रहा है मोर्टगेज, एक आ रहा है मोर्टेगी और एक आ रहा है मोर्टेज डीड। मतलब एक क्या हो रहा है, एक जो लोन आपसे ले रहा है विच इज नोन एज मोर्टगेज, और एक जो आपको लोन दे रहा है विच इज नोन एज मोर्टेगी, और एक जिसपे आपके सारे डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं मोर्टेज डीड। मतलब क्या हो रहा है, अगर मुझे घर बनाना है तो मुझे घर बनाना है तो मुझे बैंक से लोन लेना होगा, अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो मुझे वहां पे कुछ चीजें अपनी गिरवी रखनी होगी। तो अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो मैं क्या करूंगा, उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखूंगा ताकि मैं उनसे लोन ले सकूं। तो द पर्सन हु टेक्स द लोन इज नोन एज मॉर्टगेज। मतलब अगर मैं किसी बैंक से लोन ले रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, दैट इज नोन एज मॉर्टगेज। अगर कोई बैंक मुझे लोन दे रही है तो उसे बोलेंगे मॉर्टगेज, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब बोलेंगे मॉर्टेज डीड। और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, जब मेरा लोन पूरा हो जाएगा, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को वहां से छुड़वा सकता हूँ। तो आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी।